आया हूँ कि लॉकडाउन चार के बीच में मजदूरों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेते हुए जो आज चर्चा हुई बहुत रोचक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि मोदी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। मजदूरों को लेकर के विशेष तौर पर कहा गया, लेकिन मोदी सरकार अच्छे काम कैसे कैसे कर रही है उस पर हमको समझना पड़ेगा। भारत में जब मोदी सरकार आई तब पटरियों पर रेल बदरपुर चल रही थी। लॉकडाउन एक के वक्त जिस दिन 24 मार्च को मोदी सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया तब हमारे देश में बमुश्किल 576 मामले कोरोना के उजागर हुए थे। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, एक झटके में आवागमन के साधन रेल और बस सेवा बंद कर दी और सारे देश में ताला बंद कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को बधाई देना चाहता हूं, जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र को कुछ नहीं दिखता था उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को भी कुछ नहीं दिख रहा है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पहले दिन जब लॉकडाउन एक की शुरुआत की गई थी तब मजदूरों को रोक कर रखा गया, उनके आवागमन के साधन बंद कर दिए गए, सड़कों पर प्यासे मजदूर चलते रहे, जगह जगह पुलिस उन्हें पीटती रही, मारती रही, उनकी खाल उधेड़ती रही। न तब मोदी सरकार ने आहा किया, न कहीं आज तक एक अपील मोदी की तरफ पर मोदी सरकार की तरफ से आई है कि मजदूरों को इस तरीके से बेरहमी से नहीं पीटा जाना चाहिए और न सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने आहा किया। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अब लॉकडाउन चार में हमारे देश के कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो ये कैसा, अगर मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो देश में लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ रही है और देश में कोरोना के संक्रमण से पीड़ितों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। मोदी सरकार कितने अच्छे अच्छे काम कर रही है, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश बोबड़े जी आपसे जानना चाहता हूं कितना बेहतर काम कर रही है। हमारे देश के अंदर 50 से ज्यादा रेल अपना रास्ता भटक चुकी है। मैं यहां से शुरुआत करता हूं, ये कोरोना की आड़ में मोदी सरकार क्या क्या कर रही है। कोरोना रोकना, कोरोना से देश संक्रमण को खत्म करना और कोरोना की चेन तोड़ने का अलग तरीका, कोरोना की आड़ में देश के मजदूरों की कमर तोड़ना दूसरी बात है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने कोरोना की आड़ में देश के मजदूरों की कमर तोड़ डाली है। जब 500 मजदूर 500 कोरोना के मामले थे तब क्या कारण है, सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं पूछता है कि वह कौन सा कारण है कि जब 500 के लगभग मामले थे तब मजदूरों को उनके गांव वापसी क्यों नहीं करने दी गई, उनके आवागमन के साधन क्यों छीने गए और अब सब मामला 1.5 लाख क्रॉस कर चुका है तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब हम मजदूरों की दशा पर देखेंगे। तो क्या औरंगाबाद में जो 16 मजदूर चलते चलते रेल की पटरी पर थक करके और रेल की मालगाड़ी के नीचे कट कर मरे उनका अपराधी कौन है? सुप्रीम कोर्ट, अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से पूछती सड़कों पर वो मजदूर यदि चलते तो पुलिस से पीटे जाते, इसलिए पटरी पर चले तो पटरी पर रेल से कट गए। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, बहुत बढ़िया काम मोदी सरकार कर रही है। तो आदरणीय बोबड़े जी आप देखिए, हमारे देश के अंदर करोड़ों मजदूर हैं जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते चलते अपने गांव वापसी के, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं उनमें से बड़ी आबादी, बड़ी संख्या करोड़ों मजदूरों के पैरों की ऐसी दशा हो चुकी है कि वो हवाई चप्पल पहनने लायक नहीं रहे। मैं दूसरा जिक्र करना चाहूंगा
कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि हमारे देश की महिलाएं सरकार की नीति और नियत के काम में खोट के कारण चलते चलते सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके बच्चे जनने को विवश हुई। क्या आपको नहीं तय करना चाहिए कि भूखे प्यासे मजदूर सड़क पर चलते चलते भूख से मर गए? और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 23 अप्रैल को यूएई से 3 भारतीय कामगारों के शव वहां हमारे राजदूत ने भिजवाए भारत में, और भारत में मोदी सरकार ने कमलेश भट्ट और कमलेश भट्ट के साथ 2 और शवों का जिक्र करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा यूएई वापस भेजे गए भारतीयों के शवों को वापस लाया गया। जिस सरकार के कार्यकाल में, जिस मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के लोगों के शव भारत की राजधानी में नहीं और भारत की धरती पर नहीं उतरने दिए गए, उसी न केवल शवों के साथ खिलवाड़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भली भांति जानते, जब मेरे साधारण व्यक्ति जानता है कि क्या कारण है कि भारत में 50 से ज्यादा रेलें अपना रास्ता भटक चुकी है, क्या कारण है कि चीन से चली भारत के लिए जो रैपिड टेस्ट किट है वो भटक करके रास्ता अमेरिका पहुंच गई, वो क्या कारण है कि जो यूरोप से खराब किटों की खेप चीन वापस की गई थी वो चीन से भटक करके भारत में पहुंच गई, वो क्या कारण है जो यूएई से 3 भारतीयों के शव भारत भटक कर आए थे वो फिर वापस चले गए और हाई कोर्ट को आदेश करना पड़ा, तब जा करके उसके बाद में भारतीयों के शव भारत आ पाए। ये आप कह, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली से 7 दिन में साइकिल में पहुंचती है ज्योति यादव, ज्योति पासवान है ना, ज्योति पासवान जो बच्ची है अपने अस्वस्थ पिता को लेकर के बिहार, और 7 दिन में आपकी रेल पहुंच रही है। हम जानना चाह रहे हैं कि यदि बहुत अच्छा काम हो रहा है तो दर्जनों लोग रेल में बगैर पानी और बगैर अन्न के भूख से क्यों मर रहे हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए और इस देश में आपको धृतराष्ट्र की भूमिका को त्याग करना चाहिए। मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि महाभारत में धृतराष्ट्र तो जन्मजात अंधा था, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज धृतराष्ट्र की भूमिका निभाने का नाटक कर रहे हैं, और यदि नाटक नहीं कर रहे तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को भी नजर आ रहा है कि मोदी सरकार की चतुराई और चालाकी क्या है। मोदी सरकार ने एक संदेश दिया, मैं जिस दिन चाहूं उस दिन तुम्हारी रोजी रोटी पर ताला लगा सकता हूं, और जब मैं चाहूं आपके आवागमन के साधन रेल और बस सेवा को बंद कर सकता हूं। मैं तय करूंगा आपको कब सड़कों पर चलने का हक मिलेगा और कब आपको सड़कों पर चलने का हक नहीं मिलेगा। यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, जिस समय सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज ये सब तमाशा देख रहे थे, मजदूरों की खाल उतारी जा रही थी, मजदूरों को मारा और पीटा जा रहा था, उसी वक्त उत्तराखंड के 1800 गुजरात के लोगों को उत्तराखंड की सरकार ने बसों में बिठाकर गुजरात पहुंचाया, तब सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को इतनी सी बात समझ नहीं आई कि वह 1800 गुजराती जिन 28 बसों में बैठे उन बसों के सड़कों पर चलने से क्या लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक कहीं भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? वो 28 बसों में 1800 लोग बैठे, तब क्या शारीरिक दूरी के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ? उनके खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई? इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि गुजराती और गैर गुजरातियों का मसला भी इसमें पूरी तरीके से रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि मोदी राज में देश के मतदाता 15-15 लाख रुपए प्रति वर्ष, 2-2 करोड़ को रोजगार, सबके अच्छे दिन और किसानों को लाभकारी मूल्य का जो झूठा वादा था उससे भटक गए। मैं जानता हूं कि यूरोप से चली हुई नकली रैपिड टेस्ट किट या खराब किटों की जो खेप चीन पहुंच गई थी
वहां वहां से भटक करके भारत में इसलिए आ गई कि भारत में सत्ता में बैठे देश के वो गद्दार लोग हैं जो आंकड़ों को छिपाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि रेल जो भटक रही है ये भटकाई नहीं जा रही है, ये भी क्रोनोलॉजी है। क्या क्रोनोलॉजी है? जो सड़कों पर मजदूर भूखे प्यासे पैदल चलते हुए मरे उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो करोड़ों मजदूर सड़कों पर चलते चलते जिनके पैरों से खाल निकल गई और पस पड़ गया, उनके पैर खराब हो गई, उस दुख से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं जिन दर्जनों महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे बच्चों को जन्म दिया, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते चलते उसके बाद बच्चे पैदा करने के बाद भी आगे पैदल चली, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। सड़कों पर जिन लोगों की गाड़ियों से कुचल कर हत्या हो गई उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। जिन लोगों की सड़कों पर चलते हुए गाड़ियां पलटने से, गाड़ियों के टकराने से दब करके मौत हो गई उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। मोदी सरकार भटकाना चाहती है जो 16 मजदूरों के कट कर टुकड़े टुकड़े हो गए उससे ध्यान भटकाना चाहती है। और मोदी सरकार के कारण देश में जो करोड़ों मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से आग्रह करता हूं, आपने देखा पहली बात यह बहुत अवैज्ञानिक विधि है जिस तरीके का तानाशाही तरीके से बिना किसी सूद के। बोबड़े साहब आपने एक बार कहा था एनडीटीवी के साथ चर्चा के दौरान, आपने कहा कि यदि सरकार का तौर तरीका, मतलब अगर कार्यपालिका का तौर तरीका गलत हो, देशवासियों की जान खतरे में पड़ रही हो, तो आप स्वतः अदालत संज्ञान लेगी। मैं जरा जानना चाहता हूं कि कितने दिन बाद आपने संज्ञान लिया? आपने नहीं देखा? क्या आपकी दृष्टि में ये नहीं आया कि भारत के मजदूरों को पीट पीट करके पुलिस की लाठियों से उनकी जान चली गई, किसानों की जान चली गई? आपको ये समझ नहीं आया? आपको ये नहीं दिखा कि सड़कों पर पैदल चलते चलते मासूम बच्चों के पैरों की खाल उतर गई? आपको ये नहीं दिखा कि पैदल चलते चलते गर्भवती महिलाओं को समय से पहले बच्चे जन्म के लिए विवश होना पड़ा? आपको ये नहीं दिखा कि लाखों लाख महिलाएं गर्भवती भूखी और प्यासी सैकड़ों किलोमीटर चल करके अपने घर पहुंची? आपको ये नहीं दिख रहा है कि क्वारंटीन क्षेत्र में जहां कहां क्वारंटीन जगह बनाई गई है वहां रहने वालों को कैदे का खाना नहीं है, शौच की जगह नहीं है, और यही नहीं बीमार होने पर उनके लिए उपचार की व्यवस्था नहीं है? अच्छा होता आप पूछते कि प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर में जो धन आया वो पैसा कहां ठिकाने लग रहा है? आप पूछते कि विश्व बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक से लगभग 190 अरब रुपए जो आया है वो कहां ठिकाने लग रहा है? आप पूछते कि हमारे देश के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना में राहत के लिए जो बांटा जा रहा है ईमानदारी के साथ में उसका बंटवारा क्यों नहीं हो रहा? मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज ये सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? सबसे ज्यादा जो दिक्कत आई है वो हमारे देश के मजदूरों को। बोबड़े साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में पहली बार चलते चलते पैदल भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे बच्चे पैदा करने के लिए विवश हुई मजदूरों की महिलाएं। भूखे प्यासे चलते चलते पैदल चलते चलते जान गई मजदूरों की। भूखे प्यासे चलते चलते गाड़ियों से कुचले गए मजदूर। भूखे प्यासे चलते चलते थक कर रेल की पटरी पर कट करके टुकड़े टुकड़े हुए मजदूरों की। भूखे प्यासे चलते चलते गाड़ियों से कुचले गए, गाड़ियों के माल के नीचे दबकर मरे वो मजदूर। हर करोड़ों मजदूर चलते चलते जिनके खून निकलने के बाद पस भी निकलना शुरू हुआ वो मजदूर, और भूखे रहे मजदूर। आदरणीय बोबड़े साहब, इस सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को भी मालूम है पासपोर्ट का रोग है ये, इसने तो राशन कार्ड और बिना राशन कार्ड वालों को बिखेर के रख दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं हमारे देश के मजदूरों का इस रोग को लाने में, इसको फैलाने में कोई भूमिका नहीं है, और इस सरकार जिस सरकार को आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रही है। आदरणीय बोबड़े साहब आप जो सजा दें मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप बताइए कि चीन की एक सीमा पर यदि भारत है तो दूसरी सीमा पर वियतनाम भी है। वियतनाम में 30
जनवरी को जिस दिन भारत में पहले मामले की पुष्टि हुई चुकी थी और जिस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य आपातकाल का ऐलान कर दिया था, उसके बाद 1 फरवरी से ही वियतनाम की सरकार ने अपने देश को कोरोना से बचाने की प्रक्रिया शुरू की। जिस वियतनाम का मैं जिक्र कर रहा हूं, 20 वर्ष तक बोबड़े साहब अमेरिका उस पर रात बम बरसा करता रहा। उसने 20 वर्ष तक अमेरिका के बम झेले, अमेरिका को हराया और अब उसने कोरोना को हराया है। क्यों नहीं आप उसका जिक्र करते हैं? अब हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं। अगर मोदी सरकार आज की तारीख में क्या हो गया, बोबड़े साहब ये मेरे बोल देने से मैं आपसे आग्रह करूं, अपील करूं, उससे कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना कोई जादू टोने से भी नहीं जाएगा। इसको समझना पड़ेगा, कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। कोरोना के लिए एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है। आपने देखा हमारे देश में एयर हवाई सेवा शुरू करती गई, करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री पुरी साहब क्या बोले कि बीच की सीट यदि खाली रखेंगे तो लोग भयभीत रहेंगे। इसका मतलब एयरपोर्ट में जब खड़े होंगे तो 6 फीट का डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है, शारीरिक दूरी का। और जब बस जहाज में बैठेंगे तो चिपक करके बैठना पड़ेगा। बोबड़े साहब, पता नहीं अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन मुझे लगता है कभी आपने भी साधारणता जहाजों में यात्रा की होगी तो सट के बैठना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर कहा कि बीच की सीट खाली रहनी चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर आप सोचिए कि जिस जगह एसी लगा हुआ हो और सब लोग उसमें बंद हो, यदि हवाई जहाज में एक व्यक्ति को कोरोना हो बोबड़े साहब, तो सबको कोरोना नहीं होगा। ये वैज्ञानिक विधि आप जरा हमको बताइए। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। मोदी सरकार ने तमाम एसी ट्रेनों को चलाया, रेलों को चलाया, उनमें बैठा अगर एक आदमी कोरोना पॉजिटिव है तो बाकियों को नहीं पहुंचेगा, इसकी क्या गारंटी है? और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज हम जिस बहस और चर्चा को लेकर के कर रहे हैं, कोरोना का समझना पड़ेगा, हमारे देश के अंदर थर्मल स्कैनर जो मोदी सरकार ने लगा रखे हैं वो कोरोना पॉजिटिव को नहीं पहचान पा रहे। जो टेस्ट किट मंगाई गई है, इंडियन एयरलाइंस के 77 पायलटों की जांच की गई, 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और फिर बाद में कहा गया कि ये किट खराब है। अब समझना पड़ेगा कि सरकार तय करती है, हवाई जहाज पे बैठना हो तो सट के बैठेंगे, कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन हवाई अड्डे में अगर खड़ा होना हो तो 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है। आपने ये नहीं पूछा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनधन खाते में बैंकों में पैसा क्यों भेजा, नकदी क्यों नहीं पहुंचाई गई लोगों के घरों पर, किसानों को पैसा क्यों नहीं दिया गया? तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, एक बार विश्व स्वास्थ्य संगठन भी साफ ऐलान कर चुका है कि इसका जो टीका है वो 2.5 वर्ष में जाकर पूरा होगा, बनेगा बोबड़े साहब। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 2.5 साल में टीका बनेगा, हमारी आबादी 137 करोड़ की है, तब तक हमारी आबादी और टीका बनने के बाद आज हमारे देश के अंदर डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिस कर्मी इसलिए कोरोना की चपेट में आ रहे हैं कि हम उनको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं दे पा रहे हैं। हमारे देश की सेना सैनिक भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो 137 करोड़ हम लोगों की जांच नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों को कोरोना है कि नहीं। हमारी सरकार में बैठे लोग गाल बजा रहे हैं, हमारे देश में ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। आदरणीय बोबड़े साहब, कोरोना 80% लोगों को, जितने लोगों को कोरोना होता है उनमें 80% संख्या ऐसे लोगों के जिनका पता ही नहीं लगता उनको कोरोना हुआ, ना वो थर्मल स्कैनर पकड़ पाते हैं, ना आपके रैपिड टेस्ट किटों से पता लग पाता है और ना उस मरीज को पता लगता है कि मैं रोगी हूँ। ये मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे इंडियन एयरलाइंस के 5 जो पायलट हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया, उन्होंने कहा हमको कोई रोग नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस रोग को ढूंढना पड़ रहा है, घर घर जाकर के व्यक्ति को ढूंढना पड़ रहा है, उसके लिए इतना हाई तोबा। और जो हमारे देश के अंदर असंगठित क्षेत्र के मजदूर, खास करके परिवासी मजदूर, 14 करोड़ की आबादी जिनकी रोजी रोटी, आवागमन के तमाम साधन छीन लिए, जिनका बर्बाद और तबाह कर दिया, उनके रोग के विषय में आपकी व्यवस्था भी सुप्रीम कोर्ट, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए था कि जिस रोग का मजदूरों का कोई दूर तक वास्ता नहीं है, वो सजा मजदूर क्यों
सरकार की। आज जो क्वारंटीन की बात हो रही है, आज हमारे देश के अंदर जो कोरोना के मामले का मसला है, अगर 30 जनवरी को आप क्यों नहीं ये सवाल खड़ा करते हैं मोदी सरकार से, और आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मोदी सरकार जो काम कर रही है, बोबड़े साहब बता दूं, मुझे नहीं पता आप लोग आपकी नियत क्या है, 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना आपातकाल की घोषणा की और 23 मार्च को जाकर के हमारे देश में कमलनाथ की सरकार, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 23 मार्च तक संसद चलती रही और 23 मार्च की शाम को मध्य प्रदेश में सरकार बदल जाती है, नया मुख्यमंत्री बनती है, 24 तारीख को लॉकडाउन शुरू हो जाता है। ये गणना हमको समझ में नहीं आ रही है और सुप्रीम कोर्ट बैठे जज सर्टिफिकेट बांट रहे, क्यों सवाल खड़ा नहीं हो रहा है कि 30 जनवरी से लेकर के, और फिर क्या कारण है कि आपने 23 मार्च तक संसद चलाई और 24 मार्च को आपने लॉकडाउन का ऐलान किया, तो अचानक में 24 मार्च को ऐसा क्या हुआ था जो 30 जनवरी को नहीं होना चाहिए था। और मैं दूसरे लॉकडाउन की बात करता हूं, ये जो मजदूरों को खोलने और मजदूरों को घर वापसी का मामला सरकार का, दूसरा क्रोनोलॉजी में मैं बताता हूं, दूसरा आपातकाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 मई को लगाया बोबडे साहब, और 3 मई को हमारी वायुसेना ने पुष्प वर्षा की, थल सेना ने बैंड बजाया और जल सेना ने उठा करके आतिशबाजी की, और 4 मई से दारू के ठेके खोले गए, एक एक दारू के ठेके पर 5-5, 10-10 हजार लोगों की भीड़ जुटी है। मध्य प्रदेश के 100% जिले, एक जिला बचा हुआ है संक्रमण से, राजस्थान के 33 के 33 जिले चपेट में आ गए, अहमदाबाद की स्थिति तो ये हो गई कि कोरोना पॉजिटिव जो हॉस्पिटल में था उसको पता नहीं कब बाहर निकाल दिया, और कोरोना पॉजिटिव की भी रास्ते में मौत हो जाती है, लावारिस लाश मिलती है। सरकार ने न केवल नकली टेस्ट किट मंगाई है, सरकार ने न केवल मोदी राज में ₹245 की किट, मैं तो बधाई देता हूं दिल्ली हाईकोर्ट को, अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई है मामला, पता नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी कीमत जो 600 में बिक रही थी ₹400 तय की है। बस मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं बोबड़े साहब कि जिस सरकार के राज में चीन से चला रैपिड टेस्ट किट का खेप भटक कर अमेरिका पहुंच जाए, यूरोप से खराब टेस्ट किटों की खेप चीन वापस जाने के बजाय भारत में उतर जाए, और UAE से भारतीयों के 300 जो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे दूसरे कारणों से जिनकी मौत हुई उनके 100 वापस करा दिए जाए, ये आपको समझना पड़ेगा मोदी सरकार की कितनी तत्परता है। दिल्ली हाईकोर्ट आदेश नहीं देता तो वो सब भी भारत में आ नहीं सकते थे, और रेल भी रास्ता भटक रही हो, देश के मतदाता भी रास्ता भटक रहे हो, और जिस तरीके का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी रास्ता भटक रहे हैं, अन्यथा ये कैसे हो सकता है कि हमारे देश के अंदर जो रोग लाने वाले नहीं थे, फैलाने वाले नहीं थे, सबसे ज्यादा मार उसी मजदूर तबके को पड़ी, और उस मजदूर तबके पर सरकार अपने गाल बजा रही है, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज उस पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। ये मैं मानता हूं ये दुख और अफसोस की बात है। तो बोबड़े साहब आप मुझे बताइए कि जो औरंगाबाद में 16 मजदूर मालगाड़ी के नीचे पटरी पर कट के मर गए, उनका हत्यारा कौन है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, तेलंगाना से चली 16 अप्रैल को जमलो 12 साल की बच्ची अपने छत्तीसगढ़ के लिए, और वह 18 अप्रैल को अपने घर पहुंचने 14 किलोमीटर पहले उसका मृत्यु हो गया, उसका हत्यारा कौन है? मैं जानना चाहता हूं कि रामजी महतो दिल्ली से चला बेगूसराय बिहार के लिए, और बनारस में जहां देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहां उसकी सांस उखड़ गई भूख प्यास है, उसका हत्यारा कौन है? जिन महिलाओं को खुले आसमान में सड़क पर पैदल चलते सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने पर समय से पहले बच्चे जन्ने पड़े, उसका अपराधी कौन है? हमारे देश के करोड़ों मजदूर जो पैदल चलते चलते जिनके पैरों में खाल निकल गए, जिनके खून निकलने के बाद पस पड़ गया, उनका अपराधी कौन है? और हमारे देश के करोड़ों मजदूर जो भूखे और प्यासे रहे, उनका अपराधी कौन है? और हमारे देश में रेल रास्ता भटक रही है, और रेल में बैठे मजदूरों को
रोटी खाना और पानी नसीब नहीं हो रहा है, इसके अपराधी कौन है? आज हमारे देश के मजदूर लाचार और बेबस हैं, आज उनको पानी चोर बताया जा रहा है। ये दोष किसका है बोबड़े साहब? कोई तो दोषी होगा। मैं अगर दोषी तो मुझे उठा के फांसी पर लगा दीजिए, लेकिन बताइए आप। और जब आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि साहब सर मोदी सरकार ठीक कर रही है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं उन अपराधियों का नाम उजागर कीजिए। और जो कोई राज्य सरकार ऐसा अपराध कर रही है, जो मोदी सरकार अच्छा अच्छा काम कर रही थी और राज्य सरकार अपराध कर रही है, तो उस सरकार को भंग करने का आप प्रस्ताव पास करें, जनता के बीच बेनकाब कीजिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं इस अपेक्षा के साथ में, कि वह अपराधी कौन है जो यूरोप से खराब टेस्ट किटों की खेप चीन पहुंच रही थी, वो भारत में किसने उतरवाई? यूएई से चलिए 3 भारतीयों के शव को वापस किसने भिजवाया? उनका अपराध किसने किया है? ये बात भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। और मैं आग्रह करता हूं 245 रुपए की किट को 600 में बिकवाने का खेल किसने किया? वैसे बोबड़े साहब, आपको एक बात बताना चाहता हूं, 27 मार्च को जिस दिन भारत सरकार की तरफ से रैपिड टेस्ट किट की आपूर्ति का ठेका दिया गया, जिन कंपनी को, उनमें 7 कंपनियां चीन की थी, रात को बिजनेस टुडे में यह समाचार छपता है और सुबह 27 तारीख की सुबह 11 बजे पहले ही नव भारत टाइम्स में समाचार आ चुका था, प्रकाशित हो चुका था कि स्पेन जो महामारी में भुगत रहा है कोरोना की, वहां धोखा दिया चीनी रैपिड टेस्ट किट ने, वो बेकार है, वापस की जा रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब अखबारों में भी यह बात उजागर हो चुकी थी कि चीन की टेस्ट किट खराब है, तो फिर खराब टेस्ट किट मंगवाने की जरूरत क्या थी? और दूसरी बात, जब भारतीयों के 100 भारत के राजदूत की सहमति से आए हों, उनको मोदी सरकार ने नहीं उतरने दिया, तो खराब टेस्ट किटों की खेप कैसे उतरी, क्यों उतरी, इसके लिए भी क्या आप संज्ञान लेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि सेवानिवृत्ति के बाद कुर्सी का ध्यान करने की बजाय आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए ये जो अपराध हमने गिनती कराई है, ऐसे अपराधियों की, अपराध करने वालों की सूची आप जनता के बीच में रखेंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा भी कायम रह सके। अन्यथा जिस तरीके से पहले मुख्य न्यायाधीश कुर्सी के लिए चले गए, हमको भी लगता है कि सेवानिवृत्ति के बाद शायद जो फौज है अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की, वो कतार में लग रही है सेवानिवृत्ति के बाद भी कोई कुर्सी पाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं, कम से कम इस वक्त का जो वक्त काजा है, जो जो अपराधी है, उन अपराधियों को आप खुलासा करेंगे। इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ मैं फिर आपसे उम्मीद करता हूं कि तमाम जो अपराध मैंने गिनती